बस मैंने सुनीता सो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ चना चावल। तो मैंने बोला आप लोगों से मैं करती हूँ शेयर और आज मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने बोला आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ और मैं आपको दिखाती चना चावल मैं कैसे बना रही हूँ। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे साथ। अच्छा जी, तो ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये कुछ हरी मिर्चें हैं और चनों को मैंने उबाल लिया है और सिर्फ हरी मिर्चों को मैं पीसूंगी और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आपको काली मिर्ची डालनी है पीसी हुई तो आप डाल सकते हो और इसमें मैं कुछ मसाला ऐड नहीं करूंगी और सिर्फ हरी मिर्ची से मैं चना चावल बनाऊंगी। और हरी मिर्ची अब मैं पीसूंगी और कैसे बनाती हूँ आपसे शेयर करूंगी। और चावलों को मैंने भिगोया हुआ था। चावल मेरे 2 ग्लास हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने भी बनाने हो आप बना सकते हो। और ये स्टील के 2 ग्लास है जो मैंने लिए हैं और इनको मैंने 10 से 15 मिनट भिगो के रखा है। अब मैं जो मसाला तैयार करूँगी और ऑयल ऊपर रखती हूँ। अच्छा जी, तो ये हरी मिर्ची मैं पीस चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, और अगर आपने मशीन में ग्राइंडर करना है तो आप कर लो, पर मैंने इसके साथ इसको पीसे ज़्यादा बारीक नहीं की। और टमाटर में सिर्फ हरी मिर्ची डालूंगी और नमक ऐड करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे काली मिर्ची डालनी है तो मैं काली मिर्ची डालूंगी। और ऑयल मैं डाल चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें अब मैं हरी मिर्ची ऐड करूंगी। अच्छी चीज़, तो मैं हरी मिर्ची डाल चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको मुझे हल्का हल्का सा ब्राउन करना है, फिर मैं इसमें जो ये टमाटर ऐड करूँगी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हो हरी मिर्चियों का कलर चेंज हो गया और अभी मैंने टमाटर डाले और 2 चम्मच मैंने नमक के डाले। आप अपने हिसाब से डालेंगे, जिस हिसाब से आप चावल बना रहे हो उस हिसाब से आप नमक ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, तो आप देख रहे हो मिर्चियों का कलर भी चेंज हो गया, टमाटरों को भी मैंने अच्छे से पीस लिया। अभी इसमें मैं डालूंगी चने, ठीक है। चने मेरे पहले से उबले हुए हैं, जिसको हल्का सा फ्राई में करूँगी इनके साथ। और आप मिर्ची वगैरह नमक वगैरह चेक कर लेंगे, अगर आपको लगेगा कि कम है तो आप काली मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। तो कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया, कोई कुछ मसाला नहीं डाला, ये सिर्फ हरी मिर्ची और टमाटर और नमक है। अच्छा जी, तो मैंने चावल डाल दिए हैं और मैंने 3 ग्लास पानी डाले क्योंकि मेरे 2 ग्लास थे, तो मैंने 3 ग्लास पानी डाले हैं और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया और सिर्फ ये हरी मिर्चें और टमाटर है। और इसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इसमें 3 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है और आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने भी करने हो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको करती हूँ बंद। और कभी आपने बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, कोई मसाला नहीं मैंने डाला, कोई कुछ नहीं। अगर लगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना है तो आप काली मिर्ची डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे चावल हो चुके हैं, इसको मैं अभी दम पे रखूँगी और इसके ऊपर अब मैं पुदीना और हरी मिर्ची बीच में डालूँगी और इनको मैं दम पे रख दूँगी ताकि अच्छे से ये हो जाए। और लास्ट रिजल्ट क्या है आपसे शेयर करूंगी। और आप देख रहे हैं चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे चने वाले चावल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और साथ मैंने 2 अंडे उबाले हैं और आप भी ऐसे बनाए, बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा जी, तो मेरे चावल बन चुके हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और किचन में बहुत गर्मी होती है, बहुत